बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 3000 रियाल से 6000 रियाल का ग्रामा। एक मिनट जी, ओ भाई नहीं लेना इन्हें, वीडियो के बाद ही उतारूंगा। तो बहरहाल जी, 3000 रियाल से 6000 रियाल का ग्रामा, और ये किस चीज़ के ऊपर है? मैं बाल भी थोड़े बाल भी बढ़ गए यार, कटाने वाले हो गए, मैं कैप इसलिए ले लेता हूँ ऊपर कई वीडियो में। अच्छा जी, 3000 रियाल से 6000 रियाल का ग्रामा हो चुका है। तमाम वो परदेसी भाई जो सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग करते हैं, ये ड्राइविंग करने की आपकी आने वाले वक्त में आपकी मर्ज़ी है जी, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, आपके लिए अहम वीडियो है, ख़ासकर उनके लिए अहम है जो पीपी को सपोर्ट करते हैं, पीपल पार्टी को, तरीके इंसाफ को, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए अहम है। मैंने देखा है एक पाकिस्तान, ज़्यादातर आपको पता है साइक शाहना बड़े ट्रेलर के ड्राइवर वगैरह पाकिस्तानी हैं सऊदीया में, हैवी मशीनरी वगैरह के। तो पीटीआई जिंदाबाद, नून लीग मुर्दाबाद, या नून लीग आएगा भी आएगा, इमरान खान आएगा, या पीछे इमरान खान लिखा हुआ है, नवाज शरीफ जिंदाबाद, या कुछ भी ऐसे फिक्रे आपने लिखे हुए हैं, वह आपके ऊपर ये जुर्माना होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपने गाड़ी में कोई भी किसी किस्म का आगे फ्रंट की स्क्रीन के पर या बैक स्क्रीन के पीछे, यानी गाड़ी के अंदर ही चाहे लगाया हुआ है, चाहे किसी विंड स्क्रीन के ऊपर या साइड पर कुछ झंडा वगैरह लगाया हुआ है एक पीटीआई का, नून लीग का, ये आप भी इसी जुमरे में आने वाले हैं, आपके ऊपर भी यही जुर्माना होगा, ठीक है। हाँ, आपने सऊदी अरेबिया का परचम हल्का सा, उसका कुछ स्टिकर वगैरह गाड़ी में कहीं चिपकाया हुआ, पाकिस्तानी को परचम हल्का सा कहीं चिपकाया हुआ, तो उस चीज़ के ऊपर आपको कोई भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी, बशर्ते कि उस जगह के ऊपर लगाया हो जहाँ पर फास वाले स्टिकर ना हो, और साथ नंबर प्लेट वाली जगह के ऊपर कोई भी चीज़ मत लगाइएगा, ठीक है जी, वरना आप भी इसी जुमरे में आएंगे, ठीक है। अच्छा, गाड़ी में आपने कोई गैर ज़रूरी चीज़ें, मिसाल के तौर पर अभी आपने गाड़ी में गोश्त रखा हुआ है, गोश्त आप कहीं से लेकर जा रखे हैं, 2 किलो 4 किलो तो आप घर जा रखे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप कहीं से 5-7 किलो 10 किलो या बकरा आधा ज़िबा करवाकर गाड़ी में लेकर जा रखे हैं, तो आपको कहीं से किसी ने पकड़ लिया तो आप इसी जुमरे में आएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। उसके लिए ये होता है कि आप बल्दी या कीस में उसे डालें, एक कूलर लें, कूलर में बर्फ़ डालें, नीचे दरमियान में गोश्त रखें, ऊपर भी बर्फ़ रखें, ऊपर से कूलर बंद करें, इस सूरत में ले जा सकते हैं। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, ऐसी बहुत से सामान होते हैं जो भाई गाड़ी में ले जाने के ऊपर ममनू है, जैसा कि लकड़ी आप लेकर जाते हो 10,000 रियाल का फाइन हो जाएगा, आपको ये भी बता दूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये फाइन होगा किनको? ये बेसिकली फाइन है जी, तमाम वो बंदे जो सिग्नल रेड है और हमने धूस दे दी जी, या पता ही नहीं चला सिग्नल क्रॉस कर गया, पहले 1000 रियाल का फाइन था, फिर 3000 का हुआ, अभी भाई 6000 रियाल का फाइन होगा। सिग्नल तोड़ने वाले के ऊपर 6000 रियाल तक का जुर्माना होगा अभी, और उस कैटेगरी में ये तमाम अफराद आएंगे। गाड़ी में कोई भी किसी किस्म की पीटीआई, ये वो नूल, ये वो ऐसी कुछ लिखने वाले भी, उनके ऊपर भी 6000 का होगा। गाड़ी में स्टिकर लगाने वालों के ऊपर भी 6000 रियाल का जुर्माना होगा। गाड़ी को एक्स चलाने के लिए, यार यू टर्न उधर है यार, थोड़ा मैं उधर से लुफा ले लूँ, तो आप भी इस जुमरे में आएंगे, आपके ऊपर भी 6000 रियाल का जुर्माना होगा, ठीक है जी। जुर्मानों की भाई जो आप बोल रहे हैं कि शर है ना, वो सऊदी अरेबिया में बढ़ा दी गई है, अभी 3000 रियाल वाले जुर्माने को 6000 कर दिया है। तो तमाम परदेसी भाई यार, खुदा रहा एहतियात कीजिएगा, मुझे नहीं लगता 6000 रियाल का जुर्माना किसी के ऊपर हो जाए तो उससे फिर 8 दिन नींद आए, तो जारी से बात है, कमाते कैसे आपको पता ही है हम, तो एहतियात बेहतर है भाई नुकसान से।